गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए टर्म ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर्स आर नंबर वन जेम्स हैरियट, ए वेटरनरी सर्जन एंड ए नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। जेम्स हैरियट जो है ए वेटरनरी सर्जन भी है और इस स्टोरी को कहने वाले भी हैं, मतलब उनके द्वारा स्टोरी लिखा गया है और उन्होंने ही इस स्टोरी में जितनी भी घटनाक्रम है उसको डिस्क्राइब किया है। मिसेज पम्फ्रे सी इज ए रिच लेडी हु हैज अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। मिसेज पम्फ्रे जो है एक रिच लेडी है जिनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। सी टेक्स एक्सटेंसिव केयर ऑफ ट्रिकी, वह ट्रिकी का विशेष ध्यान रखती है। एंड ट्रिकी फॉल्स इल ड्यू टू ओवरफीडिंग, और ज्यादा खाना मिलने के कारण ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। अब इस स्टोरी में हम लोगों को यह पढ़ना है कि ट्रिकी का इलाज जेम्स हैरियट कैसे करता है और किस तरह ट्रिकी फिर से रिकवर होकर करके हेल्दी फॉर्म में मिसेज पम्फ्रे के पास पहुंचता है। जब ट्रिकी को जेम्स हैरियट की सर्जरी डिपार्टमेंट में डाला जाता है तो जेम्स हैरियट ऑन द बेसिस ऑफ लेस फीडिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस उसकी रिकवरी लाता है और एट लास्ट ट्रिकी बिकम्स रिकवर्ड एंड रिटर्न टू मिसेस पम्फ्रे। व्हेन इट इज रिटर्न टू मिसेस पम्फ्रे बिकम्स ओवर एक्साइटेड एंड अल्टीमेटली सेज दैट इट्स नॉट एनीथिंग एल्स रादर इट इज ए टर्म ऑफ सर्जरी, इट इज विक्ट्री ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट मेंटेन्ड बाय जेम्स हैरियट। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट सी सेज दैट इट वाज नथिंग बट द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ जेम्स हैरियट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ट्रिकी हु वाज सीरियसली इल। नाउ द स्टोरी इज एज फॉलोज। I was really worried about Tricky this time. वैसे Tricky अक्सर James Harriot की हॉस्पिटल में आया करता था, लेकिन इस बार जब Tricky उनके हॉस्पिटल में आया तो वो काफ़ी चिंतित थे। I had put up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जैसे ही उसने Tricky को उसके मालकों की गाड़ी में देखा तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और ट्रिकी की स्थिति को देख कर करके जेम्स हैरियट ने अपनी गाड़ी रोक दी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी जो है काफ़ी मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट इच कॉर्नर, उसका पूरा बॉडी फुला हुआ था और उसके जो पैर थे छिपराए हुए थे, फैले हुए थे। हिज आईज ब्लड सॉट एंड ह्यूमिंग, उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी, खूनी हो गई थी और वह उसकी आंखों से पानी भी गिर रहे थे। स्टेट वह अपनी आंखों की पलकों को गिरा नहीं रहा था बल्कि सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जब जीभ थे जबड़े से बाहर निकले हुए थे। मिसेज पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, मिसेज पम्फ्रे जेम्स हैरियट के सामने तेजी से एक्सप्लेन करना शुरू किया रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, उसने कहा मिस्टर हैरियट से कि यह बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। आई थॉट ही
must be suffering from malnutrition. ऐसा महसूस होता है मुझे कि शायद प्रॉपर फूडिंग की वजह से इसकी कमजोरी आ गई है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं भोजन के साथ साथ कुछ अलग तरह के न्यूट्रिशियस डाइट भी देता हूँ ताकि इसकी ताकत बरकरार रह सके. और उसमें मिसेस पंप ने क्या दे रही थी, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. उसका जो शेड्यूल्ड खाना था उसको देने के बाद उसे माल्ट दिया जा रहा था, कॉड लिवर ऑयल दिया जा रहा था और एक कटोरी में हॉर्लिक्स भी दिया जा रहा था ताकि वह अच्छी तरह से सो सके. नथिंग मच रियली. जेम्स हैरियट के सामने मिसेस पंपली ने बताया कि इसके अलावा कुछ विशेष खाना वो उसे नहीं दे पा रही थी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. इस पर जेम्स हैरियट ने कहा कि जो मीठी चीज इसको पीने के लिए मैंने मना किया था क्या उसको आप बंद किया है. ओह आई डिड फॉर अ बिट. इस पर मिसेस पंपली कहती है कि कुछ दिन के लिए मैंने अपने आप को रोका, इसको मीठा देना बंद किया. बट इट सीम टू बी सो वी आई हैड टू डिलेज. और जब तब मैंने देखा कि धीरे धीरे यह कमजोर हो रहा था तो मैंने फिर से इसको देना जारी कर दिया. इट हैज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स शू. और मिसेस पंपली ने जेम्स हैरियट के सामने कहा कि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी काफ़ी पसंद हैं. आई कैनॉट बियर टू रिफ्यूज हिम. और मैं अपने आप को इन चीज़ों को टीकी को देने से रोक नहीं सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. फिर जेम्स हैरियट ने उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. और चूँकि जेम्स हैरियट वेटनरी सर्जन थे तो कुत्ते की स्थिति को देख कर वो समझ गए कि इसके बीमार होने का कारण ओवर फीडिंग है. टीकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. और टीकी का सिर्फ एक ही दोष था कि वह भोजन के प्रति लालची निगाहें रखा करता था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. और कभी भी किसी भी समय उसे अगर भोजन दिया जाए तो भोजन लेने से वह अपने आप को इनकार नहीं कर पाता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. उसे सुबह में खाना दिया जाए या शाम में खाना दिया जाए वह भोजन ले लिया करता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पंपली हैड नॉट मेंशन्ड. और इस प्रकार जेम्स हैरियट को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जितनी बातें बताई हैं खाने की चीज़ों के बारे में उससे भी ज़्यादा इनपुट दिया करती होंगी जो इन्होंने चर्चा नहीं की. अब इन सारी बातों के होने के बाद जेम्स हैरियट ने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. खाना तो आप इसे ज़्यादा दे रही हैं, क्या इसकी रेशियो में इसका एक्सरसाइज करवाती हैं. वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. इस पर मिसेस पंपली कहती है कि यह मेरे साथ थोड़ा थोड़ा घूम लेता है जैसा कि आप देख सकते हैं. बट हॉटकिन द गार्डनर, हॉटकिन जो है वो मालिक है, हॉटकिन जो है वह गार्डनर है. किसका, मिसेस पंपली का. वह उसका एक्सरसाइज करवाता है ट्रिकी का. लेकिन कंडीशन यह है कि ही हैज बीन डाउन विथ लुम्बैगो. उसे रिमैटिक पेन है उसके कमर में. सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. इसलिए अभी ट्रिकी के द्वारा छल्ला फेंकने का एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है. दिस स्टेटमेंट वॉज डिलीवर्ड बाई मिसेस पंपली बिफोर जेम्स हैरियट. आई ट्राई टू साउंड सीवियर
इस पर जेम्स हैरियट थोड़ा सा गंभीर हुआ, लेकिन विशेष रूप से कुछ कह नहीं सका। नाउ आई रियली मीन दिस, और उसने कहा कि अब मुझे इसकी बीमारी का मुख्य लक्षण मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया है कि यह क्यों बीमार है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसके भोजन में अभी से कटौती नहीं करती हैं और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में यह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट अकॉर्डिंग टू योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। इस पर जेम्स हैरियट ने मिसेस पंपले को सलाह दिया कि आपको अपने ऊपर गंभीर रूप से इमोशनल अटैचमेंट से अलग रखना होगा और इस ट्रीकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मतलब यदि आप इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे, इससे आपका प्यार दिखाएंगे, इसे ज़्यादा खाना देंगे तो इसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। मिसेस पंपली रंग हर ईट्स। जेम्स हैरियट की बातों को सुनकर मिसेस पंपली अपने हाथ मल रही थी। ओ आई वेल, मतलब एट दैट मोमेंट सी वॉज अंडर द फेज ऑफ रिपेंटेंस दैट सी हैड गिवन एक्सेस फूड टू ट्रिकी एंड दैट वॉज द रियल रीजन ऑफ हर ऑफ हिज इलनेस। उसकी बीमारी का मुख्य कारण ओवरफीडिंग था। ओ आई वेल मिस्टर हैरियट, और जब हैरियट ने उसे सजेस्ट किया कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए तो उन्होंने मिसेस पंपली ने वादा किया कि वो ऐसा करेंगे। आई एम श्योर यू आर राइट, और मिसेस पंपली ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं वैसा ही करूँगी। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन टीकी को कम खाना देना बहुत ही कठिन है मेरे लिए, क्योंकि वह टीकी से बहुत प्यार करती थी, टीकी से उनका बहुत लगाव था। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रूट एज इफ जर्मिंग टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और अपने सीट को नीचे किए हुए रूट की तरफ देखते हुए उन्होंने निश्चय किया कि अब जेम्स हैरियट के द्वारा जो भी सिस्टम बताया गया है फूड के बारे में, या जो भी सिस्टम बताया गया है ट्रिकी की एक्सरसाइज के बारे में, वो सारे नियम कानूनों को पालन करेगी। आई वॉज योर प्रॉमिस विद ग्रोइंग कंसर्न, और जेम्स हैरियट जो था वो ट्रिकी को ट्रिकी के डेवलपमेंट को देखना चाह रहा था, उसके अच्छे होने के फेज में। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। जिस समय ट्रिकी को जेम्स हैरियट के पास लाया गया था, ट्रिकी जो था वो ट्वीट कोट में से लगा हुआ था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और ट्रिकी के लिए मिसेस पंपली के यहाँ वार्डरोब में कोट भरे हुए थे फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर द विंटेज, और वर्षा के दिनों के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्निश, और कोटों से लदे होने के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था एवं गिर भी रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपली, और ट्रिकी की स्थिति को देखने के बाद जेम्स हैरियट को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही कम समय में उसे सुनने के लिए मिलेगा कि टीकी की स्थिति सही नहीं है। यदि मिसेस पंपली उसके खाने की सही व्यवस्था नहीं की, उसके खाने में कटौती नहीं की, उसके द्वारा एक्सरसाइज नहीं करवाया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, लेकिन वस्तुतः मिसेस पंपली वैसा नहीं कर सकी जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था जेम्स हैरियट के सामने, और स्थिति यह हुई कि कुछ ही दिनों के बाद ट्रिकी की स्थिति खराब हुई और
मिसेस पंपरी ने जेम्स हैरियट के पास टेलीफोन किया। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट। टेलीफोन करने के बाद मिसेस पंपरी जो थी वो काफ़ी चिंतित थी। ट्रिकी कुल ईट नथिंग। टेलीफोन पर उसने बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। और उसके स्वादिष्ट डिशेज भी हैं, स्वादिष्ट भोजन भी हैं, उसको भी वो रिफ्यूज कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अलावा उसे बार बार वोमिटिंग भी हो रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग। वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता है, पैंटी हाँफते रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। टहलने के लिए नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। कुछ करना भी नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब चूंकि जेम्स हैरियट को मालूम था कि ट्रिकी के साथ अगर सही रूप से मिसेस पंपरी व्यवहार नहीं करेगी, उसके खाने में कटौती नहीं करेगी, उसका सही एक्सरसाइज नहीं होगा, तो ट्रिकी को एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो इस पर जेम्स हैरियट का कहना है, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी कि जब ट्रिकी को एडमिट करना पड़ेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और अपनी योजना में जेम्स हैरियट ने यह प्लानिंग किया था कि कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को मिसेस पंपरी के घर से बाहर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने मिसेस पंपरी को एडवाइस दिया कि कम से कम 15 दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और वह जेम्स हैरियट के ऑब्जर्वेशन में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंस। पुअर लेडी यहाँ पर मिसेस पंपरे हैं, वह बिल्कुल अनकॉन्शियस फेज में आ गई थी ट्रिकी की बैड कंडीशन को देखते हुए। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वह उससे इतना लगाव रखती थी कि वह सोचती थी कि अगर ट्रिकी उसे नहीं दिखेगा तो वह बिल्कुल मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन इसके बावजूद जेम्स हैरियट ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उन्होंने सोचा कि ट्रिकी की स्थिति काफ़ी गंभीर थी और उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ था, दैट वे वॉज टू एडमिट ट्रिकी इनसाइड द हॉस्पिटल। और वह रास्ता था ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पंपरी वैलिंग्स। उन्होंने सोचा कि बिना देर किए हुए वो ट्रिकी को अपने यहाँ एडमिट कराएंगे, भले ही मिसेस पंपरी रोती क्यों न रहे। आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। और मिस जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी से खुद गए और ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट कर वापस लाए हॉस्पिटल में। द एंटायर स्टाफ वॉज रॉस्ट एंड मेड्स रस्ट इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सफर बॉल। जब जेम्स हैरियट मिसेस पंपरी के यहाँ अपनी गाड़ी लेकर पहुँचे ट्रिकी को लाने के लिए, और जब उन्होंने ब्लैंकेट में लपेट कर ट्रिकी को अपनी गाड़ी में रख लिया, तो मिसेस पंपरी के घर में जितने लोग एम्प्लॉयड थे, सब लोग, जितने भी नौकरानियाँ थी, सब ट्रिकी के सारे सामान को लेकर के
जेम्स हैरियट की गाड़ी में रखना शुरू कर दिया, जिसमें सारी चीज़ें हैं, लंच बॉल है, बॉल है, सफ़र बॉल है, ब्रेकफास्ट बॉल है, जितनी तरह की चीज़ें टीकी के द्वारा इस्तेमाल होता था। घर की नौकरानियाँ, मिसेस पंपरी की नौकरानियाँ सारी चीज़ों को जेम्स हैरियट की गाड़ी में रखने की कोशिश किए और रख भी दी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसके बाद जेम्स हैरियट ने गाड़ी चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू किया, मिसेज पंपरी विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो मिसेज पंपरी जो है रोते हुए टीकी का एक कोट जो है खिड़की की तरफ फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और यह सीन देखा गया था जेम्स हैरियट के द्वारा जब वह गली में कोने पर मुड़ रहे थे। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। जेम्स हैरियट ने देखा कि मिसेस पंपरी के यहाँ जितने लोग हैं उन सबों की आंखों में आंसू थी। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। और जब वह रोड पर आया तो जेम्स हैरियट ने देखा कि टीकी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी और वह सीट पर बैठ कर हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड टीकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेयर हिज टेल। इस स्थिति को देखने के बाद जेम्स हैरियट ने उसके सर को थपथपाया और टीकी ने भी बहुत प्रयास किया अपनी पूछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू। उसने टीकी को आश्वस्त किया कि वह अपने ट्रीटमेंट के आधार पर इतना डैम श्योर है कि उसकी स्थिति अच्छी कर देंगे। इन दिस वे जेम्स हैरियट ब्रॉट टीकी टू हिज सर्जरी डिपार्टमेंट एंड स्टार्टेड टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ टीकी। दैट्स इट। द नेक्स्ट पैरा विल बी टॉट टू यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।